नमस्कार। कक्षा 9 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 5 का चौथा भाग आज हम कर रहे हैं। 2y³ प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2y माइनस 1। सबसे पहला काम यह है 1। इसके फैक्टर्स आप क्या देखेंगे, 1 के फैक्टर दो ही हो सकते हैं, 1 × 1। तो इसका मतलब या प्लस या माइनस 1 जो है, ये हिट एंड ट्रायल से जब हमने इस मेथड को करना है, आपको आपने पिछले सवालों में देखा है कि हमने हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाया और हमने क्या किया कि इसको मान लीजिए कि ये पी एक्स है, तो प्लस 1 और माइनस 1, तो मैं पहले प्लस 1 ले रहा हूं, 1 लेकर देखता हूं। 2 × y की जगह 1³ प्लस y की जगह 1² माइनस 2 × 1 माइनस 1। ठीक है बच्चों, क्या किया, y की जगह 1 डाला, y की जगह 1 डाला, y की जगह 1 डाला। तो इसको हल करके देखते हैं। 1³ होता है 1, 1 × 2 हो गया 2, प्लस 1² होता है 1, माइनस 2 × 1 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, तो प्लस 2 से माइनस 2 कट गया, प्लस 1 से माइनस 1 कट गया, उत्तर कितना आ गया, 0। कितना आ गया, 0। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है कि गुणनखंड प्रमेय के अनुसार एक्स माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है ना बच्चों, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 लेने से पी 1 0 हो गया, तो इसका मतलब एक्स माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है। तो ये हमारे क्वेश्चन का पहला भाग हल हो गया। अब उसके बाद अगला भाग क्या था, ये जो हमारा बहुपद है 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, इसको हमें भाग करना किससे, जो हमने अभी गुणनखंड निकाला एक्स माइनस 1 से। आइए इसको हल करते हैं। रफ वर्क हमेशा हम साइड पर करते हैं। पहली रकम है 2y³, सॉरी ये y x माइनस 1 नहीं होगा बच्चों, ये y माइनस 1 होगा, सॉरी, क्योंकि हमारा गुण जो बहुपद है y में है, तो y, और ये पी वाई हो जाएगा और ये भी पी वाई होगा। ठीक है, ये भी पी वाई होगा, यहां भी पी वाई होगा, और ये जो है ये y माइनस 1 आएगा, सॉरी मुझसे गलती हो गई, y माइनस 1। तो इसको देखते हैं, पहली रकम को पहली रकम से भाग, तो y से y, 3y से 2 कट जाएगा, तो बाकी बच जाएगा 2y² समझे, या 3y थे, 1y कट गया, 2y रह गया, यानी y² रहेगा और साथ में 2, तो 2y² मैं यहां लिखूंगा, ये 2y² y से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2y³, फिर ये 2y² माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस 2y² ठीक है। अब हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये साइन माइनस का था ये प्लस हो गया, और ये प्लस का था तो ये माइनस हो गया, 2y³ से माइनस 2y³ कट गया, प्लस प्लस प्लस, तो ये आ गया 2y² प्लस 1y² 3y², ऊपर से उतारा माइनस 2 और माइनस 1। अब पहली रकम से पहली रकम भाग कर दो, ऊपर लिखो 3y² ये वाला, और नीचे लिखो ये वाला y, 1y से 1y कट जाएगा, बाकी बच गया 3y, ये 3y मैंने यहां लिखा, प्लस 3y, ये स्क्वायर है 3y, 3y पहली नंबर से भी मल्टीप्लाई होगा, 3y दूसरे नंबर से भी मल्टीप्लाई होगा, जब ये 3y इस y से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3y का स्क्वायर, उसके बाद ये 3y जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस 3y। अगले स्टेप में साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, देन ये 3y² से माइनस 3y² कट गया, प्लस 3y माइनस 2y, ये बन गया 1y माइनस 1। ठीक है बच्चों, 1y, इसको जब y से भाग करेंगे, y से y कट जाएगा, बाकी रह गया 1, तो प्लस 1 यहां लिख देंगे, ये 1 अब y से गुना होगा तो बन जाएगा 1y, माइनस 1 से प्लस 1 गुना होगा तो माइनस 1। स्टेप में आके साइन चेंज,
प्लस वन वाई से माइनस वाई कट गया, माइनस वन से प्लस वन कट गया, शेषफल आ गया जीरो। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का दूसरा भाग भी हल हो गया। इससे हमें क्या प्राप्त हुआ, ये टू वाई स्क्वेयर प्लस थ्री वाई प्लस वन। इसका मतलब जो मेरी पहली रकम थी पी वाई वो किसके बराबर है, वाई माइनस वन गुना ये टू वाई स्क्वेयर प्लस थ्री वाई प्लस वन के बराबर है। अब हमें क्या करना है, इस y माइनस वन को ऐसे का ऐसे ही साथ में लिखेंगे, इसे हमने इसका गुणन खंडन करना है। ध्यान से देखना आप इसका गुणन खंडन, आप वाई स्क्वेयर के साथ वाला नंबर है टू और यहां है वन, तो टू वन दा हो गया टू, टू के फैक्टर होंगे वन और टू, यही हमारा एक जोड़ा है। ठीक है, यहां ब्रैकेट डाली, पहली रकम ऐसे ही, यही स्टेप है हर बार करते हैं, आखिरी रकम प्लस वन ऐसे ही, बीच वाली जो रकम है प्लस थ्री वाई इसकी जगह ये लिखेंगे टू वाई वन वाई, दोनों के साथ साइन कौन सा आएगा, टू इंटू वन ये प्लस का था, इसका मतलब ये दोनों साइन सेम होंगे, सेम कौन से होंगे प्लस या माइनस, यहां से देखो ये प्लस है तो ये दोनों प्लस के होंगे। अब वाई माइनस वन ऐसे ही, बड़ी ब्रैकेट डालो, दो पेयर बन गए, पहला ये दूसरा ये, पहले पेयर में देखो यहां भी टू है यहां भी टू है कॉमन, यहां भी वाई है यहां भी वाई है, वाई भी कॉमन, टू बाहर, वाई स्क्वायर में से एक वाई बाहर, बाकी बच गया एक वाई, टू वाई, टू वाई ही बाहर, बाकी बच गया वन, यहां वन है वाई है यहां वन है तो वन कॉमन, वन वाई में से वन बाहर बाकी रह गया वाई, वन को वन से भाग किया बाकी रह गया वन। ठीक है, अब यहां देखिए पहली ब्रैकेट है वाई माइनस वन, दूसरी ब्रैकेट में देखो यहां भी वाई प्लस वन है यहां भी वाई प्लस वन है तो वाई प्लस वन कॉमन, वाई प्लस वन कॉमन, ध्यान से देखो वाई प्लस वन कॉमन तो बाकी क्या बचेगा टू वाई, इधर y प्लस वन बाहर चल गया तो बाकी क्या बचा प्लस वन, तो ये जो हमारा बहुपद था पी वाई बराबर टू वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वेयर माइनस टू वाई माइनस वन, इसका जब हमने तीन भागों में क्वेश्चन किया, पहले हिट एंड ट्रायल मेथड, फिर भाग, भाग से जो हमें भागफल मिला उसका गुणन खंडन, इससे हमें ये तीन ब्रैकेटें प्राप्त हुई y माइनस वन इंटू वाई प्लस वन इंटू टू वाई प्लस वन, इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे तो हमें हमारा पहले वाला बहुपद प्राप्त होगा, यही इसका गुणन खंडन है, यही हमें इसमें इस क्वेश्चन में हल करना था। धन्यवाद, ये वीडियो समझ आया हो तो बच्चों इसे लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। धन्यवाद।